एक बार मैंने अपने गांव में 20 फीट लंबी मछली पानी में कूद के पकड़ ली। ना कोई डोर ना काटा, कुछ इस्तेमाल नहीं किया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी लंबी मछली पकड़ सकता हूँ। हमें भी यकीन नहीं हुआ। वैसे हमें यकीन है, तुम 20 फीट क्या 40 फीट लंबी लंबी मछलियाँ भी पकड़ सकते हो फेगुराम। अरे डर क्यों रहे हो? तुम तो पानी में तैर के 20 फीट लंबी मछली पकड़ लेते हो। जल्दी से कोई मछली पकड़ लो। शिवा, हेल्प! ओह, सॉरी सॉरी। अरे उधर देखो, वो दो आदमियों को देखो, कैसे चोरों की तरह चुपचाप झाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। उन बैग में क्या है जो वो छुपाना चाहते हैं? मैं अभी आया। चलो दोस्तों, शिवा को हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। शिवा को हमारी जरूरत नहीं पड़ सकती, वो अकेले ही सब हैंडल कर लेगा। सच कह रहे हो? शिवा जैसे बहादुर को हमारी मदद की क्या जरूरत? तो चलो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। अरे डॉगी, तुम भी यहाँ आए हो? जरा सुन के तो बताओ, इस बैग में क्या है? ये लोग गीली मिट्टी के लिए इतना रिस्क क्यों उठा रहे थे? इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी को फोन करके बताता हूँ। तो 5 बैग हैं। Only 5 bags. 6th bag कहाँ है? डॉक्टर बैंग, एक लड़का हमारा पीछा कर रहा था, इसलिए हम तेजी से भाग रहे थे और उस चक्कर में एक बैग साइकिल से गिर गया। डॉक्टर बैंग से दुनिया डरती है और तुम एक लड़के से डर गए? डॉक्टर बैंग की डिक्शनरी में डर शब्द नहीं है। जो डर गया वो ऊपर वाले के घर गया। राका। नहीं।
ऊपर वाले के घर नहीं डॉक्टर डैंग, प्लीज। डॉक्टर डैंग की डिक्शनरी में डर शब्द नहीं है। डॉक्टर बैंग की साइंस का चमत्कार। कोई नहीं जानता कि इस वेदास रिवर डैम की मिट्टी में गोल्ड सिर्फ मैं जानता हूं। ये बात अगर किसी और को पता चली तो मेरा पूरा मिशन फेल हो जाएगा। शिवा का फोन था, वो कुछ कीचड़ मिट्टी दिखाने पुलिस स्टेशन आना चाहता था। मैं आपके घर के पास था तो मैंने कहा कि घर ही ले आओ, यहीं देख लूंगा। लड्डू सिंह जी, इस बैग की गीली मिट्टी में क्या खास बात है? इसमें तो कीचड़ है। तो लोग इसे वेदास डैम से निकाल के भाग रहे थे, सिर्फ कीचड़ लेने के लिए कोई इतनी तकलीफ नहीं उठाएगा, कुछ तो है। एक मिनट, मैं राग धरती गाता हूँ, उससे धरती की मिट्टी में छुपे राज अपने आप सामने आ जाएंगे। बच्चों बैठ जाओ और ध्यान से। ऐसा मेरे खाने में टांग अड़ाती हो। टांग नहीं अड़ाई, लड्डू अड़ाए हैं। चलो बच्चों, लो जल्दी जल्दी लड्डू खा लो। शिवा, ये सिर्फ कीचड़ है और कुछ नहीं। लड्डू सिंह के इलाके में कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। हमारा नाम यूं ही फेमस नहीं हो गया। अच्छा शिवा, मैं चलता हूँ, एक बार फिर नहाना पड़ेगा। ओहो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कीचड़ के लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? हमें नीचे डाइव करके देखना होगा कि वहाँ ऐसा क्या छुपा है जिसके लिए वो लोग इतना रिस्क उठा रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।